बहुत, वो तो आपकी भावना हमेशा की रहती है, यही आपकी श्रद्धा है जो आपके प्रति लोगों के मन में प्रेम जगाती है। ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे। आइए, ऐसे बिट्टा जी का परिचय मुझे देने की जोधपुर वालों को आवश्यकता नहीं है, है ना। जिसने आतंकवादी हमलों में अपने दो पांव अपहिज कर लिए, लेकिन उसके बावजूद कोई शस्त्र तुम्हारे शरीर पर चोट पहुंचा सकता है, लेकिन मन वो चोट खा करके और मजबूत बनता है, उसका उदाहरण है बिट्टा जी के। हम लोग के साथ गुजर करके भी आतंकवादी दस्तों के सामने जीने की और आतंकवाद के खिलाफ अपनी जिंदगी समर्पित करने की एक नाम है बिट्टा जी का। और वो आस्था के साथ है, वो श्रद्धा के साथ है, वो संयम के साथ है। इसलिए जब भी बिट्टा जी को सुनने का मौका मिलता है तो अच्छा ही लगता है। जय दिलेंद्र, पिछली बार गणेश जी ने मुझे गुरुदेव जी के दर्शन कराए और ऐसी कृपा हुई, ऐसा आशीर्वाद मिला कि कुछ महाराज के चरणों में पहुंच पाऊंगा। चल नहीं सकता, पालकी में भी बैठना मुश्किल है, पर मैं इतना जरूर बता दूं, अगर आस्था है भगवान के प्रति, 600 सीढ़ी थोड़ा सा सहारा लेके मैं चढ़ा, 600 सीढ़ी। और रास्ते में मैं क्या देख रहा था, गुरु माँ, बहन गुरु, संत संत महात्मा थे। देखता रहा, सोचता रहा, सुरक्षा की गाड़ियों का काफिला काफी लंबा था, पर थोड़ी थोड़ी दूर में जहां संत गुरु माँ मिलते रहे, दर्शन करता रहा, गाड़ी से उतरता रहा, हजारों आशीर्वाद मिले, मुफ्त में आशीर्वाद, मुफ्त में। तब वो कर रहे हैं और हम सिर झुका रहे और हंसते ऐसे कर रहे, आशीर्वाद मिलता गया। तो मन में एक विचार आया कि वहां चप्पल या जूता पहन करके उस धरती पे जाना ही पाप है, इतना बड़ा तप, क्योंकि तपो जपो की धरती, जब नंगे पांव चलते, ये तपस्वी है, ये भगवान के भेजे हुए फरिश्ते आपके सामने है, ये हमारे लिए भगवान है। अब अगला कार्यक्रम होगा भगवान महावीर जी के चरणों में, बिहार में पटना साहिब, फिर जूनागढ़, पिछली बार जूनागढ़ भी गया, माता जी के दर्शन किए, पर भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, वो हवा बहुत थी। तो मैं कल गणेश जी से बात कर रहा था, उस मन में विचार आया, जब कभी आखिरी वक्त आए तो मेरा वक्त, मैंने कहा मुझे वहीं ले जाना, अविनाश जी के चरणों में, इससे तपस्वी धरती, शांति की धरती, और फिर अगली बार भगवान अगर कृपा करेगा फिर चरणों में आ जाएंगे, हम भी सेवा में लग जाएंगे। जितना तप, जितनी शक्ति, जितना ज्ञान, कोई स्वार्थ नहीं, इन संतों में है, मेरी माओं में, बहनाओं में है, कोई व्यापार करता है, कोई घर का काम करता है, पर आपने जो ये संस्कार है भगवान महावीर जी के, आदिनाथ जी के, संतों के प्रवचनों को रोज सुनना, वो छोटी सी बच्ची ने जो सीखा जैन धर्म से अभी बताया, और छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ करके, माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ करके चले जाते हैं मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए, इस पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए, कष्टों को अपने लेकर के। कौन आजकल के जमाने में करता है, पैसे की दौड़ लगी हुई है, कुर्सी सदा की दौड़ लगी हुई है, अहंकार की दौड़ लगी हुई है, और अरबों खरबोंपति लोग, सूरत में देखता हूं, अहमदाबाद में देखता हूं, देश में देखता हूं, छोटे छोटे बच्चे
माँ बाप के सामने माँ बाप की उनको इससे बड़ा को तब त्याग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो कभी भी, मैंने पिछली बार भी कहा था, हम कितने नहीं पूरी दुनिया में। कल बाबापुरी के आश्रम के अंदर 300 एकड़ का आश्रम, 300 एकड़, वहां भोजन, लंगर की व्यवस्था, वहां भगवान महावीर जी के प्रति एक आस्था, वहां एक शांति। और वो केपी सांघवी जी का एक जो पूरा परिवार है, 25 करोड़ का कॉलेज, 15 करोड़ का स्कूल, कल ही एक उद्घाटन करके आया, वो वहां बैठे हुए और कई सौ गौ माता उनके दर्शन करके आया, किसी से लिया नहीं। अपने गुरु नानक देव जी महाराज कहा करते थे, कुछ करना है तो अपनी किर्त कमाई से करना, अपने खून पसीने की कमाई से करना। ये कौन समाज है? जैन समाज है, केपी सिंघवी परिवार है, एक मानक चंदारीवाल पूना के अंदर उनके परिवार से मिला, उनकी बेटी जानवी धारीवाल, उनकी पत्नी शोभा धारीवाल, उनके दामाद पुनीत बालन। आप हैरान होंगे वो क्या करते हैं, प्लेन पकड़ते हैं और श्रीनगर में उतारते हैं और मौत का कफन बांध करके जहां आतंकवादियों की गोलियां चलती हैं, जहां सामने पाकिस्तान है, एक एक महीना मिलिट्री कैंप में रुक करके छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण करते हैं और एक स्कूल को बनाने के लिए, और मानक चंद धारीवाल की बेटी जानवी धारीवाल खुद डिजाइन करती है उन बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिए, और 15-15 करोड़ लगा करके फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। इसको कहते हैं मानवता जैन धर्म की, इसको कहते हैं संस्कार। और जब शादी होती है जानवी धारीवाल की, दोनों चले जाते हैं जम्मू, सामने पाकिस्तान देखता है वो खून से सजा हुआ हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा, और लहराते हैं फौज वालों के साथ, फिर आके शादी करते हैं। मैंने सुना है जर्मनी या रशिया के अंदर जब भी किसी की शादी होती है, कहीं जो शहीद हो जाते हैं उस देश के लिए। ये है जैन धर्म का एक इतिहास। और वो बच्चे वहां पे मौत का कफन बांध करके शादी से पहले तिरंगा झंडा लहराते हैं। हमें अपने जो सिद्धांत है, जो संस्कार है गुरु जी के, उनको आगे बढ़ाना है, अपने तक सहमत नहीं रखना। हम नहीं कहते हमारे साथ को जुड़े, हमें हमने माना है, हमारे अंदर विचार आया है पालिताना जाना है, हमारे अंदर विचार आया है पटना साहब जाना है, ये इनकी कृपा से आया है, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है त्याग, बहुत कुछ देखते हैं। पर आज जो आपसे ज्ञान मिला, मैं आपको हाथ जोड़ के आपसे वादा करता हूं गुरु जी के चरणों में, आप सबके चरणों में, कि हमारी जो सेवा है राष्ट्र के लिए, ये बोनस की बची हुई जिंदगी, वो हमेशा राष्ट्र के लिए काम करती रहेगी, मानवता के लिए जो संदेश है आपका उसको पहुंचाती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जय गणेंद्रा, जय महावीर। हर्ष 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 हमारे अध्यक्ष महोदय नेता जी का आशीर्वाद बार अभिनंदन कर रहे हैं। और आज के आपके धर्मस्वरूप हमारे कलम कलाधर गौतम जी भी आए हुए हैं, जिनकी रचनाएं निरंतर चलती रहती हैं, जिन्होंने अपने शब्द शक्ति बने हुए हैं और निरंतर शिल्प भावना में लगे हुए हैं, सेवा भी है, सौहार्द भाव भी है, और सौहार्द आज वो सब आएंगे, उस समय थोड़ा सा स्पीड में था, मैं उनको कहा कि बाद में बात करता हूँ, और ऐसे उनको भी पता है कि प्रेमकृष्ण का तो तक चली गई है। तो गौतम जी भी आए हैं, गौतम जी भी दो मिनट बात करेंगे।